प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा क्लास 11 का मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आज हम लोग भूगोल विषय के प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखेंगे। आप लोग पहले अपने से कोशिश कर लीजिएगा, उसके बाद आप इससे मिलान कर लीजिएगा आपने कितना सही किया। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 11th के बाद 12th की तैयारी भी इसी चैनल पर आपकी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। और भूगोल के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो आपका यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सारे क्वेश्चन है 40 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, जिसका आंसर आपको ओएमआर पर देना है। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग सभी जानते हैं इसके पिता कौन है, एरेटोस्थनीज है। तो यहाँ पहला का हो जाएगा आपका बी। दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। तो यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोखुर झील। तो दूसरा का हो जाएगा आपका सी। तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन विभेदन। चौथा है, काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। तो ये आपका होता है अपरदन, अपवाहन, अपघर्षण और घूलन। तो यहाँ आपका चौथा का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन घूलन। पांचवा है, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो तारों का जो निर्माण है वो 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। तो प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो है आपका बकरी। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कौन है, बकरी। सातवां है, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। तो आपका है इसमें डी ऑप्शन सही है, निकिल व लोहा का। आठवां है, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है आपका विष्णुवतीय वन, वर्षा वन जियोम में। तो आठ का हो जाएगा ए। नौ है, दक्कन ट्राइब किस प्रकार के उद्वार के परिणाम है। तो ये आपका है सही आंसर हो जाएगा इसका परवाह। दसवां है, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। तो इसका ये हो जाएगा लगभग 30 डिग्री। दस का हो जाएगा आपका बी। ग्यारह है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया था आपका मार्गन, मैकेंजी, पार्कर, तीनों मिलकर किया था। इसलिए इसका इनमें से सभी इसका डी ऑप्शन सही है। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है। तो इसकी अधिकतम लंबाई आपका कितना है, 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर। 12 का हो जाएगा आपका ए। 13 है, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया। तो ये आपका दिया था ऑर्थर होम्स ने दिया था। 13 का हो जाएगा ए। 14 है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो गंगा की सबसे सहायक नदी है आपकी यमुना। 14 का हो जाएगा आपका सी। निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है। तो यहाँ का आपका गौन प्लेट जो है वो है अरेबियन प्लेट। 15 का हो जाएगा डी। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नद मुख बनाती है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। 16 का ए। 17 है, निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो कठोरतम पदार्थ जो है आपका वो है क्रोमियम। 17 का आपका हो जाएगा डी। 18 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। तो सबसे दक्षिणी स्थान है कन्याकुमारी। 18 का आपका बी हो जाएगा। और दक्षिणी पॉइंट अगर पूछता तो आपका हो जाता इंदिरा पॉइंट, ए हो जाता। अगर पॉइंट पूछेगा तो ए होगा, और यहाँ दक्षिणी स्थान पूछ रहा है तो आपका बी ऑप्शन सही है, कन्याकुमारी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग।
जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो ये आपका होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। 20 का हो जाएगा ए। 21 है, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? तो इसके लिए आपके सबसे उपयुक्त आपकी मिट्टी है काली मिट्टी। सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी जो है वो आपका गिरती है अरब सागर में। 22 का हो जाएगा बी। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है पर्णपाती वन। 23 का हो जाएगा ए। 24 है, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका लू। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो ये अपना राज्य है झारखंड, तो झारखंड से होकर गुजरती है। 25 का ए। 26 है, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो यहाँ पड़ती है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 26 का आपका हो जाएगा बी। 27 है, वायुमंडल में के कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। 27 का ए हो जाएगा क्षोभ मंडल। 28 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 78.8%। तो 28 का बी हो जाएगा। 29 है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। 29 का हो जाएगा डी। 30 है, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं ओर विक्षेपण होता है? तो दाएं ओर विक्षेपण होता है तो ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो 30 का आपका हो जाएगा बी। महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ज्वार से। 31 का ए। 32 है, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं? तो जल के रूप को कहते हैं वर्षण। महासागरों की औसत लवणता है? तो इसकी औसत लवणता है 35%। निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका इनमें से सभी, मतलब अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र की दूरी, सभी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन जो है डी, इनमें से सभी, ये करेक्ट है। 35 है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो ये आपका आते हैं जलोढ़ मिट्टी में। 35 का हो जाएगा सी। 36 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का मापक है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है? तो इसके अंतर्गत है आपका इनमें से सभी, मतलब निवारण, पूर्ण निर्माण, अपूर्णवास, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है इनमें से सभी हो जाएगा। 39 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो इसका सबसे गहरा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। और लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपका होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र से। 40 का ए हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मॉडल क्वेश्चन को लेके अपने से कोशिश करना है कि हमने कितना सही किया है। उसके बाद आपको इस वीडियो को देखकर उत्तर को मिलान कर लेना और बढ़िया से फिर इसको याद कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।